शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाऊंगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु समान है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल चंद लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है और आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की है, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उचित शिक्षा। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, जो गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्व को समझते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातार किए गए प्रयासों से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। अगर ये सब वो कर पाए तो इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। शिक्षा के बगैर इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता। शिक्षा जिंदगी के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन प्रेस कर लीजिए, उसके पास में बेल आएगी, उस बेल को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन चूज कर लीजिए।